यार फाद, ये हाईवे पे एक कैटल फार्म है तो शूट के लिए बुला रहे हैं। तो मतलब इसमें फुल हेवी किस्म के जानवर हैं, टायर्ड वाले जानवर नहीं होते, 35-35 लाख वाले, वो वाले जानवर हैं। तो उसका एक ब्लॉग बना रहा हूँ, साथ चले हो नहीं चल रहे, बताओ सीन क्या है तुम्हारा। अरे मुश्कात भाई, बेहतरीन हो गया, मंडी का सीन बने और मैं ना जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बताएं निकलना कब है? बस भाई 4 बजे का सीन है, जल्दी से तैयार हो जाओ, फौरन से फटाफट आ जाओ। रात के 4 बजे, सुबह के 4 बजे? भाई दोपहर के 4 बजे, दोपहर के। अरे वाह बेटे, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, बेहतरीन हो गया। मुश्किल भी, अगर आप रात के 3 बजे भी अगर मुझे बुलाते ना, मैं हाजिर हो जाता, मंडी समझ लें लव है। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, कैसे हैं आप लोग? तो भाई 4 बज चुके हैं और फहद भाई बिल्कुल ऐन वक्त पे पहुंच चुके हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फरीद इकबाल मशियारा साहब, जो कि UDF कैटल फार्म के ऑनर हैं। तो हम लोग इस वक्त जा रहे हैं UDF कैटल फार्म। अरे भाई क्या कर रहा है? तो भैया इस वक्त हम आ चुके हैं UDF कैटल फार्म, और यहाँ पे जो गोबर की खुशबू आ रही है ना, मतलब ये किसी परफ्यूम से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मतलब लड़कों के दिल की एक आवाज है यार। दिल की परफ्यूम से भी ज्यादा आगे की चीज है, आगे की चीज है। मतलब ये जो एक एनवायरनमेंट ना, हर जगह जानवर ही जानवर, माशाल्लाह इतने खूबसूरत जानवर नजर आ रहे हैं चारों तरफ, और हम सिर्फ है ना, हम सिर्फ बताए जा रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे। मेरा जो दिल है ना, वो गार्डन गार्डन सा हो रही है। अच्छा, बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है। तो आप लोगों को जानवर यहाँ के दिखाते हैं कि किस तरह के जानवर है। सारे जानवर दिखाएंगे ना? बिल्कुल दिखाएंगे, और बल्कि भगाएंगे जानवर, भगा भगा के दिखाएंगे। आहा, तो भैया यहाँ पे माशाल्लाह से फहद भाई बड़े बड़े जानवर नजर आ रहे हैं, हर कलर के, हर नस्ल के। लेकिन इनका कहना ये है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब ये तो अभी छोटे जानवर हैं। ये इन्होंने कहा कि मैं तो शॉक हो गया, मतलब इन्होंने बोला यहाँ पे अभी छोटे जानवर हैं, अंदर इससे भी बड़े बड़े जानवर, असल जानवर तो अंदर है। तो भैया पहले इन जानवरों की थोड़ी सी रैंप वॉक देख लें, काओ रैंप वॉक। तो भाई काओ रैंपिंग की शूट करते करते हालत टाइट हो चुकी है, मिट्टी जो है ना बालों में घुस चुकी है। खैर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फरीद साहब, जो कि इस कैटल फार्म के ऑनर हैं। तो आप मुझे बताएं कि इतने बड़े बड़े जानवर, इनको क्या खिलाते हैं जो इतने बड़े बड़े जानवर हो गए? तो बस क्लूज के साथ, मोहब्बत के साथ कोशिश कर रहे हैं। जो सीजनल चीज़ें होती है ना, जी जी, गर्मी के अंदर कुछ खिलाना होता है, सर्दी के अंदर क्या खिलाना होता है, प्रॉपर इसकी जो है ना, हम एक फीड बना के वहीं खिलाते हैं। अच्छा, सब नेचुरल होते हैं, कोई इसके अंदर ये नहीं कि हम कोई इंजेक्शन वगैरह, कोई इस तरह की आर्टिफिशियल चीज़ बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि कोई यहाँ से जानवर खरीदने आएगा तो उसको कम से कम जानवर कितने का मिलेगा यहाँ पे? कम से कम 4 लाख। कम से कम 4 लाख, और ज़्यादा से ज़्यादा? फिलहाल 35 लाख।
अच्छा तो इसके बाद जो है आप हमें हॉर्स राइडिंग देने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रेडी है आपके लिए। हॉर्स राइडिंग है तो भैया हॉर्स राइडिंग हम करने वाले हैं और हॉर्स हमारे लिए रेडी हो चुके हैं, तो अब हम चलते हैं हॉर्स राइडिंग की तरफ। हम तो बड़े चौड़े में बैठे थे घोड़े पे, मगर घोड़े ने हमें उठा के फेंक दिया। मगर खैर है, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में। कुर्बानी के दिनों में पाकिस्तान में बल्कि खास तौर पे कराची में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं भी नहीं होती। मिसाल के तौर पे मंडी से एक सुजुकी निकलती है, अचानक से आवाज़ आती है, गाय उसमें लोड होती है, आवाज़ आती है, हाँ भाई कितने की ली अंकल, कितने की ली, अरे भाई बड़ी महंगी ले ली तुमने तो, अरे यार बड़ी अच्छी मिल गई आपको। भाई ये सारी चीज़ें ना इतनी कान में घुसती है कुर्बानी के दिनों में कि मैं आपको बता नहीं सकता। यार एक होते हैं खलीफा, जब भी किसी की गाय आती है ना वो पहुंच जाते हैं और कहते हैं यार तुम थक के आए हो, तकरीबन होगी 20,000 की गाय, कितना निकलेगा, 2 मन गोश्त। और जब खुद गाय लेकर आते हैं फुल टाइम थक के आते हैं। कुर्बानी के दिनों में जो बच्चे होते हैं ना, जैसे ही सुजुकी आके रुकती है फौरन से दुआ शुरू कर देते हैं, ए अल्लाह गाय भाग जाए, ए अल्लाह गाय भाग जाए, मजा आ जाएगा, शोर हो जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा, और आवाजें लगाते हैं ओए 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 ओए। लेकिन जब उनकी खुद की गाय भागती है ना फिर उनकी फटती है। कुछ लोग अपने गाय की ना कीमत नहीं बताते, लेकर आते हैं 4 लाख की और कहते हैं 1 लाख की ली है, और फिर सब लोग बोलते हैं वाह यार सही नहीं मटिया, और खुद चौड़े हो जाते हैं। हाँ कुछ लोग होते हैं मंडी के शौकीन, यानी अम्मी की दही लेने नहीं जाएंगे, लेकिन मंडी आवाज लगी भाई मंडी जाना है, फौरन रेडी। भाई मंडी नहीं हो गई, इनका ससुराल हो गया जो इतने शौक से जा रहे हो यार। भाई कुछ लोग होते हैं उनसे जानवर की कीमत पूछो वो फौरन मौलवी बन जाते हैं, बोलते हैं बस अल्लाह कबूल करे। भाई फरीद भाई जो है ना काफ़ी शौकीन मालूम होते हैं जानवरों के मामले में, क्योंकि इन्होंने हर जानवर की वैरायटी रखी हुई है, यहाँ बत्तखें भी हैं। वाह 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 वाह। भाई ये फाद भाई जो है ना ये गाय के थन से दूध निकाल रहे हैं और डायरेक्ट पियो ना, डायरेक्ट थन से दूध पिया जा रहा है भाई। बहुत आ रहा मुंह में गुदगुदी हो रही है यार भाई जो लोग शहर में रहते ना उन लोगों को ऐसा मौका मतलब जिंदगी में मुश्किल ही मिलता है, मतलब मिलता ही नहीं है, सही बोल रहा हूँ ना, मतलब नहीं मिल सकता ऐसा मौका, मैं बता रहा हूँ। जो गांव में रहते हैं उनके लिए तो आसान है ऐसे दूध पीना, मगर हम लोग जो है ना मतलब नसीब वाले यार। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ यहाँ के सुपरवाइजर जो के सारे जानवरों का ख्याल रखते हैं, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या फीड देनी है। आपका नाम क्या है? नज़ीर सर। ये कौन सी नस्ल है? ये सर ऑस्ट्रेलियन नस्ल है। ऑस्ट्रेलियन है तो इसकी हाइट क्या है? माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप लोग, मेरी हाइट से ऊपर जा रहा है भाई, तो इसकी हाइट क्या है?
एरिस की तकरीबन 6.5 फुट होगी। 6.5 फुट माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितना लंबा जानवर है। अच्छा, इसके बाद ये वाला जानवर है, ये कौन सी नस्ल है? ये बजरा बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस, ये बैक क्रॉस क्या होता है? ये चोलस्तानी और सैवल क्रॉस होता है। अच्छा अच्छा, इस नस्ल की खासियत क्या है? इसकी नस्ल की खासियत ये माशाल्लाह खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत जानवर है, भरा हुआ है वाइट कलर, मतलब जो खूबसूरती जो जो चीज़ चाहिए होती है ना खूबसूरती के लिए सब मौजूद है। तो अब इसके बाद इस जानवर की बात करते हैं, ये कौन सा? बड़ा भाई नाराज हो रहा है। अबे भाई आराम से, क्या हो गया? ये कौन सा जानवर है? ये सर ब्राह्मण है। ब्राह्मण? जी सर। ब्राह्मण तो बड़ी मशहूर नस्ल है सर। ब्राह्मण बेशक मशहूर नस्ल है, ये ब्राह्मण अपने साहिवाल में चोलस्तान में क्रॉस आ गया ब्राह्मण। अच्छा, ये बताएं कि ये जो जानवर है ये आप लोगों ने कहीं से खरीदे या खुद ब्रीड करवाइए? सर ये माशाल्लाह जो भी है अपने लिए हुए पंजाब से। अच्छा, अपने पंजाब। अब जो नई नस्ल आएगी वो खुद ब्रीड करा रहे हैं या वो भी आप लोग परचेस करेंगे? वो अपने पास अभी नहीं हो रही है। अच्छा, ये बताएं ये वाली कौन सी नस्ल है माशाल्लाह से? ये मुझे सबसे ज्यादा भरा हुआ जानवर लग रहा है ये माशाल्लाह। ये जो है ना अमेरिकन ब्राह्मण इसको बोलते हैं, ये अमेरिकन ब्राह्मण खालसी ब्राह्मण ही है ये। अच्छा, ये कितने दांत का है? ये अभी 6 दांत है। अभी 6 दांत का जी सर। तो इस जानवर की कीमत क्या है? सर इस कीमत तो माशाल्लाह बहुत होती है, अभी मार्केट में थोड़ी नीचे आ गई है। अच्छा, हाँ, बिके तो 40 लाख का भी बिक सकता है। 40 लाख का? जी भाई, ये जानवर जो है 40 लाख का जानवर है। इस वक्त आपकी कैटल फार्म में सबसे ज्यादा महंगा जानवर कौन सा है? यही खड़ा हुआ है। ये खड़ा हुआ है माशाल्लाह से 40 लाख का जानवर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से ये जानवर भरा हुआ भी है, लंबा भी है, इसकी हाइट क्या है? ये सर माशाल्लाह इसमें दोनों नस्ल आ गए ना, एक साहिवाल भी आ गया और ब्राह्मण भी आ गया। इस वजह से इसकी हाइट भी माशाल्लाह अच्छी होगी, उनसे भी हाइट इसकी अच्छी है माशाल्लाह। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं ये मेरा सर है और ये जानवर का सर है, मतलब ये जानवर मुझसे भी ऊंचा है। फाद देखो, सोते वक्त ना लंबे सोया करो, उससे कद लंबा होता है। तुम्हारा कद माशाल्लाह से बहुत छोटा है। अच्छा भाई, तुम्हारा आपको पता है मेरा कितना कद है? तुम्हारा 5'9" है। कोई नहीं, 5'11" है। और आपका कितना है? भाई मेरा 6'1" माशाल्लाह। 6'1" नहीं है, 6 है, ज्यादा ना बोले। चलो 6 है, लड़कों का कम से कम तो 6 होना चाहिए ना। तुम्हारा कम है काफी, मतलब आप। अच्छा, ये देखें बराबर आ रहा है अभी। बराबर नहीं है, ये देखो लंबा आ रहा है। ये अभी ऊंचा करें, नीचे से अगर देखेंगे ना। अच्छा एक बात बताऊं, आप ज्यादा चौड़े नहीं हो, इधर देखें जरा, इधर घुमाएं जरा, ये कौन है? इसका कद आपसे तो अच्छा ही है। ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा है मुझसे, अंदाजा हो गया। तो भाई शूट करते करते रात हो चुकी है और टाइम का पता ही नहीं चला, क्योंकि इतनी सारी इंटरटेनिंग चीजें थी ना, हॉर्स राइडिंग, फिर गाय का दूध, फिर शॉर्ट्स लेना, फिर ब्लॉग बनाना और गाय को भागते हुए उनके शॉर्ट लेना, वो सबसे। हाँ, और फरीद भाई आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ शूट करके? हर साल काफी सारे लोग यहाँ पे व्लॉग्स बनाते हैं, बट आज का जो व्लॉग था मुझे लग रहा है बहुत स्पेशल, कुछ खास है। कुछ खास है, आप लोग की मेहनत देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अच्छा फाद भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा शूट? भाई मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखें ये जो मतलब लोकेशन है ना, ये अगर मेरी आंखों के सामने रोज आ जाए ना, मतलब अभी भी मेरे जब मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब जानवर बिल्कुल नेचुरल माहौल, आसमानों में परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं, मतलब मुझे नेचर से बहुत ज्यादा मतलब मोहब्बत है। और जब यहाँ पे मैं आया, फरीद भाई मतलब बड़े अच्छे हैं भाई, बिल्कुल सही कहते हैं, एक जानवर को जानवरों से मोहब्बत होती है। अबे इसी बात के साथ हम ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। फाद की दोबारा बेइज्जती हो गई, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।